खंडवा में दशहरे के दौरान निकलने वाले आरएसएस के बस्ती पथ संचलन के तहत आज शहर के देवझरी कॉलोनी में पथ संचलन निकाला गया, जिसमें स्वयं सेवक अनुशासित रूप से कदम ताल करते नजर आए। सेंधवा में विजयदशमी पर्व के उपलक्ष्य में आज देवझरी बस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन का आयोजन किया। देवझरी कॉलोनी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर से पथ संचलन प्रारंभ हुआ, जो देवझरी कॉलोनी के प्रमुख मार्गों गवली मोहल्ला, मेहता कॉम्प्लेक्स, अटल चौराहा, भगवती कॉलोनी होते हुए पुनः सरस्वती शिशु मंदिर पर समापन हुआ। पथ संचलन के पूर्व शिशु मंदिर में वक्ताओं ने स्वयं सेवकों को संबोधित किया। पथ संचलन में करीब 50 से अधिक स्वयं सेवक कदम ताल करते हुए निकले। पथ संचलन का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। 11 अक्टूबर को होगा उज्जैन के महाकाल लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे करोड़ों के महाकाल कॉरिडोर का शुभारंभ। इंदौर के सभी मंदिरों में होंगे विशेष कार्यक्रम। जिला प्रशासन ने मंदिरों के संचालक पुजारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार मंदिरों के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है व केंद्र की तरह ही मंदिरों के कॉरिडोर भी बना रही है। इसी योजना के तहत 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल उज्जैन के बाबा महाकाल में करोड़ों की लागत से महाकाल लोक का निर्माण किया है, जिसमें पूरे कॉरिडोर में भगवान शिव की लीलाओं का चित्रण किया गया है। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसमें पूरे देश के नागरिकों के शामिल होने का अनुमान है। लेकिन जो लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते, उनको अपने क्षेत्र के मंदिरों में समारोह मनाने व साज सज्जा कर दीप लगाने और कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने की अपील की गई। इसी सिलसिले में इंदौर जिला प्रशासन ने मंदिरों के पुजारियों, संचालक व समितियों की बैठक लेकर उनको निर्देश दिए हैं। देखिए मैडम, ये जो बैठक है, ये 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री महोदय उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में पधार रहे हैं, तो उसके क्रम में निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी जिले के मंदिर हैं, उन मंदिरों में भव्य आयोजन किए जावे, इनका सीधा प्रसारण किया जाए और मंदिरों में भोजन प्रसादी के वितरण के साथ भजन इत्यादि के कार्यक्रम भी हों। तो उसी क्रम में सभी मंदिरों के पुजारी महात्माओं को, साथ में मंदिर से जुड़े हुए प्रबंध समिति के लोगों को और उनके ट्रस्टीज को बुलाया गया है और सबसे एक रूपरेखा के रूप में विस्तृत चर्चा करके एक तो वर्टिकल है, दूसरा काम उसमें यह है कि कुछ लोगों को अपने गाँव से, अपने शहर से नदी तालाबों का जल लेकर रुद्र सागर में उसको अर्पित करना है, तो उस काम के लिए भी लोगों को जाना है। चंदवा शहर के देवजी कॉलोनी में कल रात हुए विवाद के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया है। नाचने की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद के बाद पथराव हुआ था। कल रात्रि में सुदामा कॉलोनी गली नंबर 2 में पांडाल में नाचने की बात को लेकर वहीं पड़ोस में रहने वाले दो पक्षों में आपसी विवाद हुआ था, जिसको लेकर पुलिस थाना रोहित ठाकुर और अशोक शिंदे की ओर से अलग अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। दोनों ही पक्ष के लोगों के द्वारा मारपीट, लड़ाई झगड़ा कर शांति भंग की गई थी। टीआई राजेश यादव ने सूचना मिलने पर तत्काल स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर वहां से 6 लोगों, अशोक, विशाल, रोशन, ऋतिक, भरत, गोपाल को कस्टडी में लिया था, जिन्हें आज तहसीलदार सेंधवा के न्यायालय पेश किया गया। जो तहसीलदार श्री मनीष पांडे ने सभी को जेल वारंट बनाया, जिससे सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पीआई राजेश यादव ने बताया कि आरोपियों में भरत शाह गुंडा बदमाश है, इसके खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही की जाएगी और अन्य अपराधियों के रिकॉर्ड के आधार पर इनको 50,000 की राशि से एसडीएम न्यायालय से बाउंड ओवर करवाया जाएगा। इंदौर में एक डॉक्टर के बंगले को हॉस्टल संचालक द्वारा पहले किराए पर लिया गया, उसके बाद उस हॉस्टल में अपने साथियों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट संचालक के अपहरण की कहानी रच डाली। गनीमत रही कि भंवरकुआ पुलिस को सही समय पर सूचना मिल गई और अनहोनी होने के पहले ही चंबल जायका रेस्टोरेंट के संचालक अक्षय जादौन के अपहरण का खुलासा कर दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट में अपहरण की पूरी कहानी। 6 अक्टूबर 2022 को भंवरकुआ थाना पुलिस को रेस्टोरेंट संचालक अक्षय सिंह जादौन के दोस्त ने शिकायत दर्ज करवाई कि वो अपने साथी चंबल रेस्टोरेंट के संचालक अक्षय सिंह यादव के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी प्रतीक्षा शराब दुकान के सामने वाली सड़क पर 5 से 6 बदमाश अपनी मोटरसाइकिल, केटीएम और इनोवा कार पर आए और केटीएम पर बैठे बदमाशों ने फरियादी की गाड़ी की चाबी निकालकर अक्षय सिंह जादौन के पेट पर चाकू और पिस्तौल अड़ाकर बोला कि तू इनोवा कार में बैठ, नहीं तो तुझे यही निपटा देंगे। बदमाश अक्षय सिंह की जबरदस्ती इनोवा कार में बैठाकर बोले कि अक्षय को जिंदा देखना है तो 25 लाख रुपए की व्यवस्था हमारे बताए स्थान पर कर देना, अगर पैसों की व्यवस्था नहीं हुई तो अक्षय के शरीर के 25 टुकड़े करके उसके घर भिजवा देंगे, जिसमें से 2 लोग मोटरसाइकिल से और 4 लोग इनोवा कार से अक्षय को चाकू की नोक पर अपहरण कर ले गए। गनीमत रही रेस्टोरेंट संचालक अक्षय सिंह जादौन के साथी ने गाड़ियों के नंबर नोट कर लिए और पूरी घटना पुलिस को बता दी। मामले की गंभीरता को देखकर
वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। अधिकारियों के मार्गदर्शन और पुलिस के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। जानकारी निकाली कि पीड़ित अक्षय सिंह जादौन को इनोवा कार में बैठाकर राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में संचालित हो रहे अमितेश नगर के पीजी हॉस्टल में ले जाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी राम लखन रजक, वरुण वाधवानी, विशाल यादव, ललित उर्फ लल्ला, सौरभ परमार, मनीष और मुख्य आरोपी भास्कर शर्मा, राहुल सोलंकी, अविनाश कुमार और भास्कर शर्मा के पिता कृष्णकांत शर्मा को मौके से गिरफ्तार कर लिया। कल एक गंभीर रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और जैसा कि आपको सच विदित भी होगा, इसमें दो लड़के हैं, आकाश शर्मा और अक्षय जादौन। आकाश शर्मा मुरैना, बामौर जिला मुरैना का रहने वाला है और अक्षय जादौन चंबल जायका रेस्टोरेंट चलाते हैं। ये यूपी का उरई का रहने वाला है। ये लोग रिंग रोड पर एक चंबल जायका करके रेस्टोरेंट चलाते हैं। ये लोग कल अपने रेस्टोरेंट तरफ जा रहे थे कहीं से लौट के, तो रास्ते में इनको जो है वरकुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत 6:30 बजे करीब घटना है। एटीएम बाइक से दो लड़कों ने रुका और रोक के इससे कहा कि किसी लड़की का नाम लिया इससे कि तुम उस लड़की को छेड़ रहे हो, और इतने में एक इनोवा गाड़ी आई और इनोवा गाड़ी से 6-7 जो भी लड़के थे उनने एक जो उसका अक्षय जादव ने इसको पकड़ कर इनोवा में डाल लिया और इसको लेके फरार हो गया। उसके बाद कुछ देर तक आकाश शर्मा ने अपने मित्र की तलाश की, कुछ फ़ोन लगाने का भी प्रयास किया, फिर एक बार फ़ोन लगा भी तो अक्षय ने कहा सहमी हुई आवाज़ में उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। इसको शंका हुई तो उसने पुलिस में आके रिपोर्ट करी रात को। जैसे ही पुलिस को रिपोर्ट प्राप्त हुई, हमारे एसीपी साहब जो जूनी क्षेत्र के हैं देशेश अग्रवाल और थाना कुआरी बरकुआ शशिकांत चौरसिया और उनकी पूरी टीम ने बहुत सख्ती से और बहुत गंभीरता से इस मामले को लेना शुरू किया। पूरा टेक्निकल एविडेंस से लेकर सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन और अन्य जो भी पुलिस की पद्धतियां होती हैं, जो भी पुलिस के सूचना तंत्र होते हैं, उनके आधार पर तत्काल काम शुरू किया गया। क्योंकि ये सीधा सीधा फिरौती का बोला था उसने जाते समय, उसने आकाश ने बताया था कि वो कह रहे थे कि 25 लाख रुपये की मांग उससे की गई है और बहुत ही गंभीर ये इशू था क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिसमें काफ़ी गंभीर स्थितियाँ देखने को मिली थी। गरबा देखने गई अपने परिजनों के साथ 11 वर्षीय माही शिंदे की मौत की पीएम रिपोर्ट पुलिस के पास आ गई है, जिसमें बच्चे की मौत 315 बोर की बंदूक की गोली लगने से हुई थी। अब पुलिस गरबा पांडाल के आसपास लगे कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। वहीं क्षेत्र में किस किस के पास 12 बोर लाइसेंसी बंदूक है उसकी लिस्ट बनाकर बच्चे की मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात अपनी माँ के साथ गरबा देखने गई माही शिंदे के सर में चोट लगने से परिवार के लोग पास के ही अस्पताल लेकर गए थे, जहां उसकी मौत हो गई थी। वहीं मृतका के सर में गोली लगने से मौत की बात कही जा रही थी। जब पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि माही की मौत गोली लगने से ही हुई थी, जिसकी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट और एक्सरे में ये बात साफ हो चली है। अब पुलिस आसपास 315 बोर लाइसेंसी बंदूक रखने वालों से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक तौर पर घर वालों को और वहाँ पर उपस्थित लोगों को समझ में नहीं आई कि किस बात की चोट है, ले आकर उन्होंने एडमिट करा दिया। फिर रात में उसका उपचार चला, उसके दौरान सीटी स्कैन भी हुआ। सुबह उनको पता लगा कि सीटी स्कैन के दौरान कि कुछ सिर में जो है फॉरेन ऑब्जेक्ट है, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मर कायम कर फिर पीएम के लिए बॉडी को भेजा। तो जो प्रारंभिक तौर पर बात सामने आ रही है उसमें ये लग रहा है कि 315 का संभावित ये कार्टेज रहा होगा और उसकी बुलेट आकर सिर में लगी है और हवाई फायर कहीं से हुआ है, अभी तक इस तरह की बात लग रही है। और वो जो कार्टेज है उसका आगे का हिस्सा जिसको बुलेट बोलते हैं वो आकर सिर में बच्ची के घुस गया है। फैक्ट्री में काम करने वाला ही मालिक के मोबाइल और रुपए चोरी करने का आरोपी निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का मोबाइल और 10,000 रुपए की नकदी बरामद कर ली है। इंदौर के बाणगंगा पुलिस ने ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसने अपने मालिक के कैबिन में घुसकर मोबाइल और रुपए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के रिदम एंटरप्राइजेस के मालिक द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज की गई थी कि उनके कैबिन में रखा मोबाइल चार्जर व रुपए उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी ने चोरी कर लिए हैं, जिस पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही थी। बाणगंगा पुलिस ने चोरी के आरोपी मोहित सेन को गिरफ्तार कर उससे चोरी का मोबाइल 10,000 रुपए नकदी बरामद की है। बाणगंगा पुलिस आरोपी मोहित सेन से अन्य चोरी के मामलों में भी पूछताछ कर रही है।
हाँ, ये दिनांक 23/9/2022 को रिदम इंडस्ट्रीज करके सेक्टर एफ में एक फैक्ट्री है, इनके मालिक हैं अभिषेक जैन। इन्होंने थाने पर रिपोर्ट किया था कि इनके यहाँ काम करने वाला एक व्यक्ति मोहित सेन, जो हरदा का रहने वाला था और वो वहीं फैक्ट्री में रहता था, उसने उनके ऑफिस में घुस के मोबाइल चार्जर और कुछ नकदी राशि चोरी कर लिया था, जिस पर धारा 457-380 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी की तलाश की गई। आरोपी मोहित सेन पिता रामेश्वर सेन को गिरफ्तार किया।